बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस समय हम हाजीपुर के कर्णपुरा घाट में हैं और यहाँ लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में किसकी हवा है, क्या है इस बार चुनाव में माहौल। लालटेन छाप। लालटेन क्यों, नीतीश जी से खुश नहीं है? एकदम नहीं। बताइए क्या है इस बार आपके यहाँ चुनाव का माहौल? कहाँ से आए? आप इच्छा कहाँ से आए हैं? कंचनपुर। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? राघोपुर। तो राघोपुर में इस बार क्या हो रहा है? हम लालटेन है। इच्छा कहाँ है? लाल क्या क्यों दे रहे हैं लालटेन को वोट? नीतीश जी से क्यों नाराज? सरकार बदलना है, हम लोग के बालू लॉकडाउन लग गया, तीन चार महीना बंद हो गया, हम लोग की भी कमजोरी आ गया, इसलिए हम लोग सरकार बदल रहे हैं। और जैसे तो कहा जाता है कि उनके पास जैसे लोग बारूद भी लगाते हैं कि उनके पास अनुभव की कमी है, लड़ने की क्या अनुभव की कमी है उनके पास, लोग कहते हैं। नहीं, गलत बात है, ये बात गलत है। मैंने पूरे संख्या से निकल रहे हैं, पूरे संख्या भारी संख्या से निकल रहे हैं। अच्छा, रोजगार जो रोजगार की बात होती है, 10 लाख रोजगार देने की बात कहें, उसको क्या मानते हैं आप? क्या वो देंगे या चुनावी झंडा वो जीतेंगे? तो सब बात के बाद तो चल रहा है, अब आगे दिन क्या होगा वो तो पासी के बाद। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, बताएं क्या है इस बार चुनाव में माहौल? बीजेपी जीतेंगे। ये हाजीपुर विधानसभा बीजेपी की हवा है। तेजस्वी यादव पर नहीं विश्वास है आप लोगों को? विश्वास सब पर है, लेकिन जनता पर विश्वास लोग है ना। सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहिए रोजी और रोटी। रोजी मिलेगा तब ना तुमको रोटी मिलेगा। नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ जो है रोजी साफ हो गया, रोटी साफ हो गया। पढ़ लिख कर रोड पर विद्यार्थी लोग बौआ रहा है, पागल बन गया, चोट डकैत में हो जाएगा, इसलिए इसको जाना अमृत तय है, जरूरी है, 10 के विदाई है इसका। अच्छा, चुनाव में नेता लोग जो रोजगार का वादा कर रहे हैं, क्या लगता है वो देंगे या चुनावी नहीं? इस पर जो है कि तेजस्वी यादव जो है विश्व सभा में शपथ लिए, कसम खाए कि हम नवरात्रि किए हुए हैं, हम पहला कलम 10 लाख नौकरी पर चलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी हुई, तो उस समय क्या सुविधा मिली थी? नहीं नहीं, उसका जो है कल्यापन जो यहाँ का लोग जो कमान थमाया गया, उधर रास्ते में कोरोना से पहले भूखमरी में मर गया, गोड़ में छाल पड़ गया। नीतीश कुमार जी किस बात को, इसी बात को, यही सब बात को उनसे दिक्कत। आदमी कोई खराब नहीं है, लेकिन उनका माने रवैया खराब हो गया, दारू घड़े घड़े बेचवाए, चूहा दारू पी रहा। रोजगार बताइए, रोजगार मिलेगा? रोजगार का जो वादा नहीं, बीजेपी में ही मिलेगा रोजगार, बीजेपी में ही मिलेगा। यानी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो नहीं, सब फॉल्स है, वो सब फॉल्स है। 15 साल में ऊपर कर दिया, दारू पकड़ पकड़ के थाना पर लेकर बेचता है, दारू बंद करके 400 पेटी ले जाता है, 50 पेटी के 100 करता है। नीतीश कुमार बढ़ दिया आएगा ना उल्टा बदल। तो चुनाव में देखा जा रहा है कुछ नाराजगी है, लोग तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं, और अब जो रोजगार का उनका वादा है उनको लेकर भी लोगों को लग रहा है कि वो रोजगार इस बार वो चुनाव जब सत्ता में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे।